ये दुनिया रहस्य से भरी हुई है। ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे जंतु, प्राणी इस दुनिया में रहस्य से भरे पड़े हुए हैं, जिसके बारे में हम कभी जानते भी नहीं हैं, ना ही हमने कभी सुना होगा। और उसमें समंदर के अंदर, इतना बड़ा समंदर है, उसके अंदर क्या और क्या नहीं होगा, कितने रहस्यमय जीव उसके अंदर पनप रहे होंगे। अब तक वैज्ञानिक भी उस बारे में सोच नहीं सकते, उन्होंने भी ढूंढ नहीं निकाला होगा कि क्या 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 है समंदर के अंदर। आज हम बात करने वाले ऐसे ही एक जीव की जो कि समंदर के अंदर मिलता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बेगाजी डुकरे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। आज हम बात करने वाले एक ऐसे जीव की जो समंदर के अंदर रहता है, एक रहस्यमय जीव है जिसका अब तक किसी को पता भी नहीं चला कि वो क्या है और क्या था। पर ये जीव अभी का नहीं है, बहुत ही पुराना जीव है। वास्तविक रूप में ये व्हेलफिश की एक छोटी प्रजाति थी जो उत्तर ध्रुव के पास मिलती है। यूनिकॉर्न यानी कि काल्पनिक एक सिंह वाला घोड़ा प्रकार इस भी फिश के सिंह होते हैं। सबसे पहले 17वीं शताब्दी में इसका वर्णन चमत्कारी और रहस्यमय प्राणी के अंदर मिल जाता है। इस फिश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों ने 30 साल पहले से ही जानकारी खोजने की शुरुआत की है। अभी इसकी खोज के लिए वैज्ञानिक दोस्तों एक उपग्रह की मदद से ये इसकी खोज शुरू करना चाहते हैं। 30 साल पहले से उनकी खोज चालू है कि ये कौन सा जीव था जो एक सिंह के जैसा है, उसके सर के ऊपर एक सिंह है। अब तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ये कौन सा सिंह है, कौन सा प्राणी था। प्राचीन ग्रंथ जो रहते हैं जिसमें इस फिश का वर्णन किया है कि यह सागर, मतलब जो समंदर के अंदर जो भयानक संकट आ जाता था उसके बारे में उसका वर्णन किया है। उसके कारण ही वो आता है। जब वो जीव समंदर के अंदर है यानी नॉर्वेल, तो समंदर में अगर गलती से भी किसी के जहाज़ के नीचे आ गया तो उसका जहाज़ तहस नहस कर सकता है, पूरा का पूरा जहाज़ वो गिरा सकता था। जहाज़ के नीचे से उसको होल गिरा के उसके अंदर पानी जाएगा, उसके बाद उस जहाज़ को तकलीफ होगी और वो था जहाज़ धीरे धीरे डूबता जाएगा। 1870 में एक फ्रेंच ऑथर ने लिखा है अपने एक कादंबरी में यानी कि नॉवेल में कि ये जीव हाथी के दांत जैसे रहते हैं, उससे जो तलवार बनाई जाती है उसको जितनी धार रहती है उसी हिसाब से उसके सिंह को भी धार रहती है। सोच लो, जो हाथी के दांत, इतने लोग हाथी को मार के उसके दांत निकाल लेते हैं और उससे वो बड़े बड़े खतरनाक हथियार बनाते हैं, वैसे ही सिंह, वैसे ही तलवार, वैसे जैसी हाथी के दांत से जैसी तलवार बन सकती है वैसे ही तलवार वो सिंह उसके सर पर रहता है। नॉवेल फिश का जो दांत रहता है, जो सिंह रहता है, वो दरअसल ये उसका दांत ही है। उसके मसूड़ों के अंदर से निकला हुआ एक बड़ा सा दांत जिसको सिंह कहा जाता है, यानी कि वो दिखने के लिए सिंह के जैसे रहता है। दोस्तों तो ये था नॉर्वेल के बारे में थोड़ी जानकारी, जितनी मुझे मालूम थी, जितनी मैंने पढ़ी थी उतनी। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब